झूठ बोल रही है, ये कहानियां बना रही है, आप सबको गुमराह कर रही है। एक सेकेंड, अगर प्राची सबको गुमराह कर रही है तो तुम बताओ मीका कहाँ है? मीका कहाँ है? मीका तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, उसको इस घर में तुम लेके आई, उसको इस फैमिली का मेंबर बनाया, अब तो दीदा ने भी एक्सेप्ट कर लिया उसको, तो मीका यहाँ पे क्यों नहीं है अभी? कहाँ है वो? या मुझे तुम्हारी खामोशी नहीं चाहिए, मुझे जवाब चाहिए। Where is मीका right now? अगर मीका को इसे यहाँ लाना होता ना रणबीर, तो अब तक ला चुकी होती, ऐसे छुपा के नहीं रखती। सच्ची कहानी क्या है मैं तुम्हें बताती हूँ। प्रिया को तो शुरू से मुझसे प्रॉब्लम थी, कॉलेज में, घर में, यहाँ पे। इसकी प्रॉब्लम और बढ़ गई जब मैं इस घर में दोबारा आई। इसे हमेशा से लगता था कि मैं इसका सब कुछ छीन रही हूँ, इसकी खुशियाँ, इसके हक, इसके अधिकार, इसका प्यार, और तो और इसे ये लगता था कि मैं तुम्हें इससे छीन रही हूँ। इसकी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई जब इसे पता चला कि तुमने हमेशा से मुझसे ही प्यार किया है और तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो, और इसे इस बात से सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई जब इसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं। ये खबर सुनने के बाद मम्मी मुझे एक्सेप्ट करने वाली है ना प्राची? आई हैव नो आइडिया व्हाट यू आर सेइंग। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इस घर की शांति। मैं इस घर को बिखरने नहीं दूंगी, टूटने नहीं दूंगी इस घर को। हम सब एक डोर से बंधे हुए हैं। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हम सब एक साथ रहें, उसके अलावा कुछ नहीं चाहती मैं। मैं भी यही चाहती हूँ। जिस दिन से शादी करके इस घर में आई थी, मैं यही चाहती थी और यही चाहती हूँ, और इसी वजह से ये कह रही हूँ कि मैं रणबीर के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। प्राची सच बोल रही है। प्राची अपने संस्कारों के खिलाफ कभी नहीं जाएगी, चाहे उसको वो इस घर में मिले या अपने घर में मिले। प्राची कुछ भी कर सकती है, लेकिन प्राची कभी झूठ नहीं बोल सकती। रणबीर, फॉर गॉड सेक, इमोशनल हो, लेकिन इमोशनल फूल तो मत बनो। सिड ने सबके सामने कन्फेस किया है कि वो प्राची से प्यार करता है, और प्राची के साथ उसका नाजायज रिश्ता भी था। तो प्लीज आंखें बंद करने के साथ साथ कान तो कम से कम बंद मत करो। She needs rest. हेलो, शायद उसी आदमी का फोन होगा जिसके पास मीका है। या आई कॉल्ड, आई'd लाइक टू बुक अ डीप टिश्यू मसाज फॉर टुमारो। The Swedish one? That's right. Well, in the afternoon? Sorry, yeah. Thank you for booking. क्या हो रहा है ये? पप्पी छप्पी किस लिए हो रही है? What's happening, huh? कुछ नहीं, बस एक ही तो बात है, राची की एंगेजमेंट हो रही है। हम सब इतने खुश हैं कि खुशी में डांस कर रहे हैं। या है ना रणबीर? हाँ हाँ, बहुत, मैं तो अंदर से खुशी हो रही है, पता है आपको? देख लीजिए, आपको दीदा की खुशी साफ दिखाई देगी, है ना? हाँ, of course, चलो करके दे, 1 2 3 yes, 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 yes.
देखिए आपको क्या देखिए आपने, मुझे तो पागलपंती लग रही है। सिली। एनीवेज, आज के दिन तो पागलपंती चलेगी, दिन ही ऐसा है आज का। चले, रिंग आ गई है, लेट्स गो। हाँ चले, लेट्स गो लेट्स गो। क्या हुआ? कुछ नहीं। चलो चलो, आप ही वेट कर रहे थे, चलिए चलना, मुहूर्त निकलने जा रहे हैं। चलो 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 चलिए। I'd like to book a deep tissue massage. The Swedish one? That's right. Rachi? क्या हुआ? तू ठीक है? नहीं, तू ठीक बिल्कुल नहीं लग रही है। बता क्या हुआ है? रिया प्रेग्नेंट है। हाँ तो मुझे पता है, इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? नहीं, वो प्रेग्नेंट है, पर वो कल डीप टिश्यू मसाज लेने वाली है, मैंने सुना। हाँ थैंक यू रिया, अच्छा हुआ तुमने मेरे लिए मसाज बुक कर लिया। मैं सोच ही रही थी कि बॉडी में इतना पेन हो रहा है, कौन सा मसाज लूं। वेरी नाइस, मैं डीप टिश्यू मसाज ले लिया मेरे लिए। वैसे तुम हो कहाँ? अपने कमरे में, मैं आ रही। अच्छा सुनो ना, तुम ये मसाज एक घंटे पहले का ले सकती हो। रिया अगर मेरे पास नंबर होता तो मैं खुद नहीं ले लेती। क्या हुआ? देख मे बी आई एम रॉन्ग, मैं ज्यादा सोच रही हूँ, ओवर थिंक कर रही हूँ, पर एक अजीब सा शक बैठ गया है मेरे मन में, नहीं होना चाहिए। पर कैसा, क्या शक? बता, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है, क्योंकि रिया प्रेग्नेंट है और वो डीप टिश्यू मसाज। प्रेगनेंसी में फुट मसाज ठीक है, नेक मसाज ठीक है, पर कोई भी औरत डीप टिश्यू मसाज नहीं ले सकती। इट्स जस्ट नॉट राइट, इट्स नॉट सेफ। रिया कैसे ले सकती है? मे बी मैं गलत सोच रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, पर एक शक आ रहा है मन में, मैं क्या करूँ? चाची तू ना ये सब इसलिए बोल रही है क्योंकि रिया का पास्ट रिकॉर्ड ही ऐसा रहा है, उसे सारे गलत काम ही किए हैं। और बस एक बात नहीं समझ आ रही है कि कोई अपनी प्रेगनेंसी के लिए झूठ नहीं बोलता है। और प्राची इतनी क्यूट है, मतलब यहाँ पूरी दुनिया गलत काम कर करके नहीं थक रही है, और तुझे एक थॉट भी आया तो तूने इतना गिल्ट फील कर लिया। प्राची ये आलिया बूजी ना रिया के कमरे में गई है, तो हम एक काम करते हैं, जाके बूजी का कमरा चेक करते हैं, क्या पता वहाँ पे कोई क्लू मिल जाए मीका के लिए। Of course, you're right, you're so smart. चलते, good idea. चल। रुक रुक, तू कहाँ जा रही? तू जाके अपनी रिंग सेरेमनी का रिचुअल पूरा कर, और मैं वहाँ जाके काम खत्म करती हूँ, तू वहाँ जाके काम कर। अगर तू जाएगी ना तो कोई तुझे ढूंढते ढूंढते आ ही जाएगा, तो इसलिए तू जा, मैं इधर जाती हूँ। सही कह रही है, तू जा, ठीक से ढूंढ और संभाल के, ध्यान से कोई देख ना ले, आई एम श्योर तुझे कुछ ना कुछ मिली। जिसमें जगह ढूंढता था, तू ही तो है वो, तू ही तो है। तू दूर जरा सा हो जाए तो जान मेरी निकलती है, हर जगह तू मुझे दिखे, मेरी क्या गलती है, क्या यार इस इश्क में दिल पे न चलती है, हर जगह तू मुझे दिखे, मेरी क्या गलती खिला मैं रात एक तन्हा, तू छोड़ सा मिला और तुझे देखता रहा किसी ख्वाब की तरह, जो अब सामने टूटा जो कभी तारा, सच ना भी तुझे रब से मांगा, रब से जो मांगा मिले अबे, तू मिले या तो जाने ना दूंगा मैं।
मना करूंगी तो नहीं पूछोगे? अगर मना करोगी तो जरूर बोलूंगा। तो फिर किसका वेट कर रहे? बोल दो जो बोलना। तुम्हें अपना ख्याल रखना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे आसपास नहीं रहूंगा तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? बहुत अच्छी बात बोली है तुमने, बहुत अच्छा लग रहा होगा भूल के। बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर मेरी भी एक बात सुन लो, शायद और अच्छा लगेगा। मुझे कोई जरूरत नहीं है अपना ख्याल रखने की, पता है क्यों? सिड है ना, वो रखेगा मेरा ख्याल और मुझे उसकी आदत हो जाएगी, तो फिर मुझे अपना ख्याल अलग से रखने की जरूरत ही नहीं है कि सिड और मैं एक ही है ना? After all, तुम्हारी ड्रीम गर्ल तुम्हारे ड्रीम से निकलकर अब बाहर आ गई है, वो भी तुम्हारी बीवी बनकर। अच्छा तो लग ही रहा होगा। राची मेरी एक दोस्त है बस, दोस्त के अलावा कुछ नहीं। अच्छा दोस्त कह लो, अच्छा इंसान कह लो, कुछ भी कह लो, पर वो मत कहो जो तुम कह रही थी। मुझे उसे तुम्हारी गंदी नजरों से नहीं देखना। यू नो व्हाट, प्राची बहुत अच्छी इंसान, आई डोंट थिंक उस जैसा इंसान पैदा भी हुआ। क्या हुआ, सुना नहीं जा रहा? आई नो, क्या करे, अच्छे रिश्ते अच्छे इंसान ये सब तो तुम्हें किताबी बातें लगती होंगी ना। तुम्हें तो लगता होगा ये सब एग्जिस्ट नहीं करता, तो जिस चीज को तुम मानती ही नहीं हो वो सब समझाने का क्या फायदा तुम्हें? भगवान ने तुम्हें मुंह दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना मुंह चलाते ही रहोगे। मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुम्हारी बातों में इंटरेस्टेड हूँ? नो, आई डोंट रिमेम्बर सेइंग दैट। एक बार को मैं किसी का लेक्चर भी सुन लू, पर तुम्हारी बकवास तो एक मिनट भी मुझे बर्दाश्त नहीं है। क्या कह रहे थे तुम? प्राची के नाम की माला जप रहे थे। अरे मेरा तो भगवान से विश्वास ही उड़ गया। Oh God, come on, please. ये मत समझना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ये एंगेजमेंट रोकने की कोशिश कर रही हूँ। Silly. अब जिनके आगे जी, जिनके पीछे जी, जिनके आगे पीछे जी जी, मैं तुम्हारी साली हूँ तो तुम मेरे। सिद्धार्थ बेटा जल्दी आओ, सगाई का मुहूर्त निकला जा रहा है। रिंग आ गई है, रिंग सेरेमनी शुरू करते हैं। मैंने ये इसलिए चुराई क्योंकि मैं चाहता हूँ कि प्राची और सिड की एंगेजमेंट रुक जाए। तू तो दूसरी रिंग ऑर्डर कर रहा है ना, रिंग आएगी तो एंगेजमेंट भी होगी। You're right. लेकिन ये जो नई रिंग है ना, वो सिड और प्राची के लिए नहीं, वो मेरे और प्राची के लिए है। लो, प्राची भी आ गई। पंडित जी शुरू करें। जी आइए, आप लोग आगे आ जाए। प्राची के विदाई के नाम। नो बुजी, रणबीर और प्राची की जुदाई के नाम। That's a good one. Feels so good. सच बताऊं तो थोड़ी देर के लिए मैं डर गई थी वहां पर, क्या होने वाला है। मतलब कि रिंग खो गई, उसके हाथ में चोट लग गई, लाइट चली गई। आई वाज लाइक एंगेजमेंट होने वाली भी है या नहीं। मुझे भी ऐसा लगा जैसे पूरी कायनात मिलकर इस एंगेजमेंट को रोकने में लगी है। ऐसे लग रहा था जैसे एंगेजमेंट अब रुकी, एंगेजमेंट अब रुकी, बट गेस व्हाट, एंगेजमेंट रुकी नहीं और उस प्राची ने खुद ही एंगेजमेंट कर ली। यू नो व्हाट आई थिंक, मेरी बातों का ना गहरा असर पड़ा होगा उस पे। मैंने पता है उसे क्या कहा, कि रणबीर उसे खुद ही छुटकारा पाना चाहता है। यू मीन ये एंगेजमेंट तुम्हारी वजह से हुई है? नो नो बुजी, इट वाज ऑल यू। यू नो व्हाट, यू आर द बेस्ट। आप नहीं होती ना तो ये पॉसिबल ही नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर आपके बाद किसी का नंबर आता है तो वो मैं हूँ। आई मीन टू से बोथ ऑफ अस आर जस्ट एब्सोल्युटली अमेजिंग। हमारे जोड़ का कोई तोड़ ही नहीं है, जो चाहे वो पा लेते हैं। ओह बूजी, आई कांट टेल यू हाउ हैप्पी आई एम। आई नो यू आर हैप्पी, यू आर थ्रिल्ड। आई एम जस्ट फीलिंग सो विक्टोरियस, यू नो, आई एम फीलिंग पावरफुल। ऐसे लग रहा है मेरे हाथ कोई ऐसी पावर आ गई है जिससे मैं दुनिया की हर खुशी अपनी मुट्ठी में कर सकती हूँ। और रणबीर, नो वन कैन स्टॉप मी फ्रॉम गेटिंग रणबीर नाउ।
खुद रणवीर भी नहीं रोक सकता। Cheers to that. ये रिया मुझे अंदर खरीदने की कोशिश कर रही थी, बिना चोट खाए और बिना रिस्क लिए महान बहू बनेगी। चलो चलो, व्हाट द हेल, डर क्यों गई? डरते तो वो है जिनके मन में चोर होता है। मामा पर चालक से आ गई थी तो सॉरी। सॉरी वो लोग बोलते हैं जो कुछ गलत काम करते हैं, पर तुम तो कभी कुछ गलत करती नहीं हो मिस्टर, आई मीन मिस परफेक्ट। मामा आपको कुछ चाहिए था? फ्रूट्स में क्या क्या है? एप्पल है, ऑरेंज है, बनाना है और कीवी है। और क्या फ्रूट नहीं है? पपाया नहीं है। ग्रेट, तो एक काम करो, एक बोल में मुझे पपाया कट करके दे दो, साथ में थोड़ा चाट मसाला भी डाल देना। रिया, इतना सारा पपाया किसके लिए लेके जा रही हो? वो रिया मैम ने मंगाया था उनके लिए। एक सेकेंड, रिया ने पपाया मांगा? नहीं नहीं, उसने कुछ और बोला होगा, तुमने गलत सुन लिया होगा। नहीं मैम, उन्हें पपाया ही मंगाया, उन्होंने ही बोला उन्हें पपाया खाने का मन कर रहा है। मैं जाती हूँ वरना लेट हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, तुम ये उसे नहीं खिलाओगी, लाओ मुझे दो। नहीं मैम, मैं अगर नहीं गई वो मुझे जॉब से निकाल देंगे प्लीज। अगर तुमने उसे बताया होता ना कि प्रेगनेंसी में पपाया नहीं खाते नुकसान पहुंचा सकता है, तो तुम्हें शाबाशी देती, नौकरी से नहीं निकालती। मैम मैंने उन्हें बोला था कि प्रेगनेंसी में नहीं खाते पपाया, बट उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। पर उन्होंने मुझे बोला अपने काम से काम रखो, मुझे यही खाना है। सॉरी मैम, उन्होंने मुझे ऑर्डर्स दिए थे, मुझे जाना ही पड़ेगा। नहीं प्रिया, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम सीधा घर जाओ। डोंट वरी, कोई पूछेगा या रिया पूछेगी ना तो मैं बता दूंगी कि मैंने भेजा है तुम्हें दीदा की दवाइयाँ लेने, ठीक है? तुम जाओ और मैं संभाल लूंगी। अब पक्का से संभाल लोगे ना? तुम्हें भरोसा है ना मुझ पे, तो जाओ, गो। क्या हुआ भाई? यार एक ही जिंदगी में कितनी बार लव एट फर्स्ट साइट कराएगी मुझे? बूजी इतना इरिटेट करती है ना, जब सोचती हूँ कि ये सामने नहीं आएगी उसी वक्त ये सामने टपक पड़ती है। कुछ ही दिनों की बात है, फिर तो ये तुम्हारे ख्यालों में भी नहीं आएगी। प्रिया, मैंने कल तुमसे कुछ मंगवाया था ना, आया क्यों नहीं? कहाँ चली गई थी तुम? कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? एक्चुअली मैंने उसे भेजा था किसी काम से। सॉरी। सॉरी तो इसे बोलना चाहिए, काम इसे बोला था मैंने। हाँ पर मैंने भेजा ना उसे, इसलिए मैं कह रही हूँ सॉरी। हाँ तो इन्फॉर्म कर सकती थी ना, पर नहीं, दीदा की दवाइयाँ लेने भेजा था, वो ज्यादा जरूरी था। अब तुम्हारा काम जो भी हो, दीदा की दवाइयों से ज्यादा जरूरी नहीं हो सकता ना। मेहिका से मिलने चलती हूँ, I'm getting late. Actually, मुझे और शाहना को भी कहीं जाना है। सरिता आंटी के घर, काफी दिन हो गए ना उनसे मिले नहीं, तो आज चले जाएंगे और हमें लेट होगा आ जाने में, देर हो जाएगी थोड़ी। अरे मैं छोड़ू तुम्हें सरिता जी के घर? नहीं रणबीर, मैं प्राची को तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। चलते हैं मेघा से मिलने, मैं एक फाइल भूल गई रूम में, वो लेकर आते हैं फिर चलते हैं। ऑलराइट। एक्चुअली यू नो व्हाट, मुझे भी एक काम है, सो आई विल सी यू गाइस लेटर। एक्सक्यूज मी। क्या बात है, आज हर किसी को कहीं ना कहीं जाना है। जवाब दो। मैं क्या जवाब दूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। नहीं, मम्मी की बात करनी, जो मैंने पूछा था मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ ना। ठीक है, मुझे भी कुछ याद आ गया, बाय। शाना चल, हम भी चलते हैं। बाय।
मतलब रणबीर बस यही गाड़ी बची है, सारी गाड़ियाँ चली गई है। जस्ट कम प्लीज ड्रॉप मी नाउ, आई हैव सम इम्पोर्टेंट वर्क। तुझे क्या लगता है कि मसाज लेने जाएगी? जाएगी, अब कल रात से सिर्फ प्लान जो किया है, और हमारे पास एड्रेस भी है ना, हम भी जाएंगे। चल इको देखो, देखो टैक्सी। थोड़ा सा और तेज चलाइए ना प्लीज। देखिए मैडम, गाड़ी उतनी तेज चलेगी जितने की स्पीड लिमिट है, इससे ज्यादा तेज चलाई तो आगे चालान कट जाएगा। हमें ना जल्दी से पहुंचना होगा ताकि हम जल्दी पहुंच कर रिया पे नजर रख सके जब वो मसाज पार्लर जाएगी। तो शाना लेफ्ट में आलिया बुझे, चुप जा चुप जा चुप जा। कहाँ, ये यहाँ क्या कर रही है? पता नहीं, कह के तो निकली थी कि मीका से मिलने जा रही है। राची तुझे लगता है वो तुझे सच बोल के जाएंगे किसी को भी? अब चोट का भी तो नहीं पता ना, किसके दिमाग में मन में क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आता। हो सकता है कि जा भी रही हूँ मीका से मिलने। हेलो। हेलो मैम, अब कहाँ पहुँचे? हमने मीटिंग के लिए स्पेशल रूम अरेंज कर दिया है। बस आ रहे। सुनो, मेरे आने तक मिहिका को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि अब तक सिर्फ वही कर रहा है जो हमने उसे बोला है, तो हमें भी वही करना चाहिए जो वो हमसे कह रहा है, राइट? देखो, मैं बस अपनी बहन को देखना चाहता हूँ कि वो सही सलामत है या नहीं। मैं होटल पहुंच रही हूँ, तुम होटल के बैक डोर पे आ जाओ और हमें वहाँ से होटल रूम ले जाओ। मैं नहीं चाहती कि होटल में आते हुए हमें कोई देखे। अब आ जाइए। ऑल राइट। सुनो, तुम झुके रहो, मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हें देखे। ऑल राइट। भैया भैया, वो जो लेफ्ट में सफेद गाड़ी है ना, उसका पीछा करिए, चलिए चलिए जल्दी। डिसीजन लेने का तो बहुत शौक है ही तुम्हें, ये मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ जाना नहीं जाना ये मेरा डिसीजन है, एंड माय डिसीजन इज नो। लो, आ गई तुम्हारी फेवरेट सवारी, अब इसे जहां पहुंचाना है पहुंचा दो, गो। इतना अजीब है ना ये, मेरा मतलब है मैं तुम्हें भी बताऊंगी ना तो तुम्हें भी बहुत अजीब लगेगा, पर आई गेस दैट्स हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। यूनिवर्स तो ऐसे ही काम करता है। क्या कहना चाहती हो तुम? व्हाट आई मीन इज, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने में लग जाती है। ऐसा कोई डायलॉग नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ एक बात जरूर है, किसी चीज के बारे में दिन रात सोचो। सेठ, ओह माय गॉड, सेठ, प्राची, तुम ऐसे नीचे क्यों? ये उतारो पहले। हाँ, ये पट्टी तुम ऐसे कैसे? तुम्हारी आलिया बूजी मुझे मीका के पास ले जा रही थी, फिर अचानक प्लान बदल दिया। और ये पट्टी चश्मा ये सब क्या है? ताकि मैं देख ना पाऊँ, मुझे कहाँ ले जा रही है? होटल रोड में मैं कुछ नहीं देख पाया, मुझे अभी भी नहीं पता उन्होंने मीका को कहाँ छुपा रखा है। तुम्हें वो ले जा रही थी मीका के पास, तो ऐसे रास्ते में उतार क्यों दिया? रिया और रणबीर का झगड़ा हो गया, रणबीर ने रिया को रास्ते में उतार दिया, इसलिए तुम्हारी आलिया बूजी ने मुझे रास्ते में फेंक दिया। बोल दिया कि कल मिलेंगे मीका से, प्लान चेंज। इसलिए रणबीर को मैं पागल बोलती, बेवकूफ बोलती। काम बिगाड़ना ना उसे याद है, कभी कभी जानबूझ के नहीं अनजाने भी काम बिगाड़ ही देता है। तुम फिलहाल घर चलो, यहाँ मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है, ताकि मैं चल नहीं पाऊंगा। एक काम करते, हम पहले डॉक्टर के पास चलते हैं, देखते हैं कहीं कोई अंदरूनी चोट ना आई हो। इस रोड पे या कोई क्लिनिक या डॉक्टर है? हाँ एक है, मुझे पता है। चलो 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 बताओ। इतनी नाराजगी, कुछ हुआ है क्या? हाँ, मुझे लगता है कि तुम मेरा फ्रेंड होने का ना कुछ ज्यादा फायदा उठा रही हो। इनफैक्ट आई मस्ट से नाजायज फायदा उठा रही हो। कम ऑन मधु, अब वो दोस्ती क्या जो एक दूसरे के काम ना आए, तो दोस्ती क्या जो दूसरे दोस्त का नाजायज फायदा ना उठाए। लोगों को ना शायद मुझ पे शक हो रहा है, उन्हें लग रहा है कि मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ। ओके लिसन, जस्ट रिलैक्स। ओके मधु, तुम एक डॉक्टर हो, डॉक्टर्स को भगवान का रूप माना जाता है, भगवान पे थोड़ी कोई शक करता है। मैंने अपने पूरे करियर में इतना गलत काम ना कभी नहीं किया है, मैं सिर्फ ये तुम्हारे लिए कर रही हूँ। अगर तुमने पूरी लाइफ में इतने अच्छे काम किए हैं, तो अपनी दोस्त के लिए गलत काम कर भी लिया तो क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात होगी? एंड यू नो व्हाट, ऊपर वाला भगवान जब नीचे वाले इस भगवान के 100 पुण्य देखेगा ना, तो आई थिंक एक गलती तो वो माफ कर ही देगा।
But you know what? I just want to say a huge thank you to you. Thank you. Yes, कहिए आपकी अपॉइंटमेंट है मेरे साथ? बिकॉज मुझे रिसेप्शन से कोई भी कॉल नहीं आया कि कोई पेशेंट आने वाली है. नहीं, एक्चुअली उन्होंने भेजा मुझे यहाँ. गॉड, ये प्राची कहाँ से आ गई अब? ओके, कहिए. एक्चुअली हमें अर्जेंट मेडिकल अटेंशन की जरूरत है बाहर. मुझे नहीं पता आप हेल्प कर पाएंगे या नहीं, लेकिन प्लीज कैन यू प्लीज हेल्प. इसने मुझे यहाँ देख लिया तो 10 सवाल करेगी, पता लगाएगी कि मैं यहाँ किस डॉक्टर से मिलने आई हूँ. और अगर इसे पता चला कि मधुरिमा मेरी फ्रेंड है तो ये तो बाल की खाल निकालेगी. और इसे मेरी फेक प्रेगनेंसी के बारे में पता चल जाएगा. बूजी भी बता रही थी इसे मेरे मसाज वाली अपॉइंटमेंट फोन कॉल से शक तो हुआ है. इसका वो शक अभी यकीन में ना बदल जाए. चलिए, क्या है ना, मेरा फ्रेंड है, उसे चोट आई है. अब ज्यादा है कम है समझ में नहीं आ रहा क्योंकि खून तो बह रहा है. प्लीज एक बार देख लेती तो इट विल बी ग्रेट. मुझी को थोड़ा अच्छे से पेश आना चाहिए था सिर के साथ. कैसे ट्रीट कर रही है उसे ये माता प्राची? भड़क गई ना तो बैंड बच जाएगी. मैं कुछ ज्यादा ही नहीं डर रही, ऐसे तो नहीं हूँ मैं. वेल, आई थिंक आपको कोई गलतफहमी हुई है. आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट. आई एम सो सॉरी, मुझे समझ में नहीं आया कहाँ जाना है क्या. मैंने तो बोर्ड भी नहीं पढ़ा पा रहा. आई एम सो सॉरी. दैट्स ओके, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड. पैनिक सिचुएशंस में ऐसा हो जाता है. फिर भी मेरी गलती है, मुझे बोर्ड पढ़ना चाहिए था. एनीवे, मैं देखती हूँ. आई एम सो सॉरी डॉक्टर. आई एम सो सॉरी. दैट्स ओके. प्राची थी मेरी सगी बहन जिसने मेरे रणवीर को मुझसे छीना. गॉड डैमिट, यहाँ कैसे पहुंच गई? क्या कर रहा है? प्लेग्राउंड है, ऑफिस है, तो खेलना है तो बाहर जाए खेल. अरे इजी 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 ब्रो, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? गुस्सा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तेरी बहन की वजह से गुस्सा आ रहा है मुझे, इसलिए तेरे पे निकाल रहा हूँ. जीजा, मैं तेरा जीजा हूँ. मैं तेरा पहले भाई नहीं था. तू डिसाइड कर, मैं तेरा भाई हूँ तेरा जीजा हूँ. नजरिया बदल गया तेरा? यार नहीं, वो अगर बहन के चश्मे से देखूंगा तो फिर मतलब बुराई तो दिखेगी ना. वो क्या, तू पहले डिसाइड कर कि मैं तेरा जीजा हूँ कि तेरा भाई हूँ. हाँ, ये ब्रो 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 बोलता रहता है मुझे. वो क्या है, मेरे को वैसे बीच में मतलब लटका. कभी बहन की साइड ले लेता है, कभी भाई की साइड ले लेता है. एक रिश्ता रख मुझसे, कोई एक रिश्ता, एक रिश्ता. यार वही तो कंफ्यूजन है ना, मैं डिसाइड नहीं कर पाऊँ तुझे क्या बनाऊँ. देख मैं समझा दूँ अच्छे से. हाँ, तू मेरा भाई, मैं तेरा भाई. ओके, रिया प्राची तबाही तबाही. ओके, तो ये समझ ले कि रिया जो है वो बिन बुलाई मुसीबत है और जो प्राची है वो प्यार की मुसीबत है. ओके, सिंपल, ऑल क्लियर? ऑल क्लियर. गॉट इट? यस. गुड. तूने शाहना का नंबर शाहना के नाम से क्यों सेव किया? क्योंकि उसका नाम शाहना है. आई डोंट बिलीव दिस. व्हाट, यू लाइक हर? पागल हो गया क्या? कुछ भी बोल रहा है. लाइक व्हाट आर यू सेइंग? ऑफ कोर्स यू लाइक हर ब्रो. अगर तू उसको पसंद नहीं करता तो उसका नाम लिखता शाहना जाए या आफत की पूड़ियां. पर शाहना सेव किया तुमने? यार वो बहुत पहले की बात है यार, तू कहां बातें जो है. बहुत पहले की बात है. मैं तो समझ, एक भी काम का नहीं है. एक छोटा है तो एक पतला है. दे आर ऑल ब्लडी यूज़लेस. ऐसे कैसे चलेगा? तो ये तो मुझे क्या कह रही हो? ये कौन से मेरे हाथ के बनाए स्वेटर जो तुम्हें फिट नहीं हो रहे और तुम मुझे कंप्लेन कर रही हो? कंप्लेन नहीं करूं तो और क्या करूं? मुझे जो चाहिए था ना वो तो मुझे मिला नहीं. और तुम क्या चाहती हो? तुम मुझे मेरी फैमिली में एक्सपोज कराना चाहती हो? अगर ऐसा है ना तो मेरी बहन की कोई जरूरत नहीं है. अकेली अकेली तुम ही काफी हो मुझे एक्सपोज करने के लिए, मेरी लाइफ को स्पॉइल करने के लिए. कहीं तुम भी मेरी बहन से मिली हुई तो नहीं हो ना? What's wrong with you? मैं तुम्हारी बहन से क्यों मिलूंगी? ना मिलने की कोई वजह ही नहीं. तुम ये काम पैसों के लिए कर रही हो सकता है कि मुझसे पहले तुम मेरी बहन प्राची से मिली हो और उसने मुझसे ज्यादा पैसे तुम्हें ऑफर किए हो. दिस इज कम्प्लीटली पॉसिबल. गॉड, यू नो व्हाट, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली. अगर तुम मेरी बहन से मिली हुई हो और उससे मिलकर मुझे बैक स्टैब करने की कोशिश कर रही हो, लेट मी टेल यू, आई विल नॉट लीव यू. तुम्हारी पूरी लाइफ में ना एक मैं ही हूँ जो तुम्हारे इतने बड़े सीक्रेट को छुपा रही है. अच्छा, एक मैं ही ऐसी हूँ जो तुम्हारा सपोर्ट कर रही है और तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की बजाय धमका रही हो तुम मुझे. वो अकेली है डॉक्टर के साथ, अकेले रहने दो ना. थोड़ी इंसानियत नहीं दिखा सकते? उसे भी पता नहीं अपने बच्चे के साथ क्या करें. क्या क्या बोला? मैंने बोला थोड़ी समझदारी दिखाने का क्या लोगे? वही लूंगा जो तुम थोड़ी सी स्वीटनेस दिखाने का लोगी. शांति लूंगी, बहुत सारी शांति जिसकी मुझे जरूरत है. तुम बहुत सारी शांति अपने पास रखो, मैं जा रहा हूँ. बाय बाय.
बहुत इरिटेटिंग है, क्या प्रॉब्लम है इसकी? ईगो का पता है इसका? मेरा हाथ छोड़ो, तुम ऐसे कैसे हाथ पकड़ सकती हो एक अच्छे खासे लड़के का? छोड़ो मेरा, छोड़ो, मैं तुम्हारी ना कंप्लेन कर दूंगा। किससे करते हो देखिए कंप्लेन? अच्छा रुको, मैम सुनिए ना, मुझे ना बहुत परेशान कर रही है, लड़की से मेरा हाथ पकड़ लिया है, छोड़ नहीं रही, देखो चूटी भी काट रही है, हाथ में तोड़ रहने दो। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के रूल्स रेगुलेशन है, आप बोलिए ना इसको, समझाइए इसको, बोला हाथ छोड़ मेरा। हॉस्पिटल में हाथ पकड़ने का मतलब होता है नब्ज देखना। क्या पता वो देखना चाहती हो कि तुम्हारा दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है। ओहो रोमांटिक बिचड़े बहुत देखती है। जा कहाँ रहे थे तुम, क्या लगता है तुम्हें? मैं जहाँ भी जाऊँ मेरी मर्जी यार, मैं तुमने तो वैसे ही वहाँ पे बाय बोल दिया ना, अब मैं जानू में जाऊँ कहीं जाऊँ तुम्हें उससे क्या? एक तो मुझे यार मत बुलाओ, और बाय मतलब जाना नहीं था, बात खत्म करना था। चलो मेरे साथ रिया के डॉक्टर से मिलते हैं, हमें पता होना चाहिए रिया ठीक है ना, सब ठीक है ना। चलो क्यों, मुझे नहीं जाना, पूछ नहीं रही हूँ, बता नहीं। चलो व्हाट, शुक्रिया था? कौन सा शुक्रिया था? क्या कर लिया तुमने ऐसा जिसकी वजह से मुझे तुम्हें थैंक्स बोलना पड़ रहा है? प्लीज इट्स ऑल इन योर हेड। अगर ऐसा है भी ना, दिस इज अ ट्रांजैक्शन, तुम्हें पैसे मिल रहे हैं। जो सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है, आदमी तो क्या तुम्हें इंसान भी नहीं समझता। देखो आर्यन तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या ज्यादा हो रहा है? पर इससे ज्यादा मुझे तुम पे गुस्सा आ रहा है शाना, कि तुम एक ऐसे इंसान की केयर कर रही हो जिसने अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोचा, ना अपने भाई के बारे में, ना चाचा चाची के बारे में, सिर्फ अपने बारे में सोचा इसने। इसके एक फैसले से कितनी जिंदगियां बर्बाद हो रही है देख रही हो तुम? अब तुम बताओ शान, तुम्हें मैं स्टूपिड कहूं या सेल्फिश कहूं? क्योंकि इसको ये समझाने के बजाय कि ये जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, तुम मुझे गलत कह रही हो। आर्यन इनफ। व्हाट इनफ? घर मेरी बहन का खराब हो रहा, तुम्हारी बहन का नहीं। तुम जानते क्या हो बहनों के बारे में? एक एकलौती बहन है, वो भी सौतेली, बाप की नाजायज औलाद। आर्यन एक और लफ्ज़ मत निकाला, नहीं तो मैं क्या कर लोगे तुम? मिस्टर सिद्धार्थ कोहली, चुप नहीं रहूंगा मैं। आर्यन चुप मैं भी नहीं रहूंगी। जिसको तुम सौतेली बहन बुला रहे हो ना, उसके लिए ये क्या कुछ नहीं कर रहा है? क्या कर रहा है? वो उसकी सगी बहन नहीं है, लेकिन एक सगे भाई की तरह उसकी जान बचा रहा है। आलिया भूजी और रिया ने इसकी बहन को किडनैप किया और उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। अगर ये अपनी बहन को जिंदा देखना चाहता है ना, तो उसे प्राची के बच्चे को अपना बच्चा कहना होगा, उससे शादी करनी होगी। और इसने आज तक प्राची को जो भी उसके अगेंस्ट बोला है ना, इसने खुद नहीं बोला है, इसे बुलवाया गया है। सिर्फ तो कभी प्राची रणबीर के बीच में आना ही नहीं चाहता है। ये तो वो लोग हैं जो इसे जबरदस्ती कर रहे हैं, इसको अपनी बहन की जान बचानी, इसलिए ये सब कर रहा है। ये आप लोग क्या बातें कर रहे हैं एक्सपोज करने की, ये सब व्हाट इज हैपनिंग? चुप क्यों हो गए रिया? क्या बात चल रही थी? I'd like to book a deep tissue massage. मैंने पपाया ही मंगाया, उन्होंने ही बोला उन्हें पपाया खाने का मन कर रहा है। नहीं डॉक्टर, हमें सच बताने वाली बात तो नहीं कह रही। शायद डॉक्टर चाहती हो कि रिया एक्सपोज हो जाए, कि रिया अब बच्चा नहीं चाहती। नहीं रिया, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी, एक मासूम जिंदगी के साथ तुम्हें नहीं खेलने दूंगी। कुछ तो बोलिए आप दोनों ही रिया। डॉक्टर एटलीस्ट यू से समथिंग, प्लीज गो। अगर चली गई ना तो अच्छा नहीं होगा, बता रही हूँ। अब अगर तुमने अपना ये वाला एटीट्यूड मुझे फिर से दिखाया ना, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हारा ये सीक्रेट तुम्हारी फैमिली को जाके बोल दूंगी। मैं ये कह रही थी कि रिया की प्रेगनेंसी में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस है। कॉम्प्लिकेशन? क्या कॉम्प्लिकेशन है? मैं कुछ टेस्ट लिख देती हूँ, पहले वो कर लेते हैं, उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मैं बता पाऊंगी कि एग्जैक्टली कॉम्प्लिकेशंस क्या है। अभी मुझे सिर्फ सिम्टम्स दिख रहे हैं, उस पर बात करके अननेसेसरी स्ट्रेस क्यों देना। कम रिया, मैं तुम्हारा चेकअप कर लेती हूँ। क्या कहा तुमने, वापस से बोलना। क्या कहा मैंने? तुमने दुकान ना, अभी इट्स माय फॉल्ट, आई एम सॉरी, वही बोला मैंने। तुम कब बड़े हो गए यार? साना प्लीज यार झगड़ा बंद करो। नहीं सर, मैं झगड़ा नहीं कर रही हूँ, मैं कंफर्म कर रही हूँ किसने क्या यही बोला है कि मेरी फॉल्ट है। हाँ टक्कर तुम मारो, वो जो लड़की जा रही थी उसको घूर घूर के स्माइल तुम पास करते, बेतुकी बातें तुम्हारी। तुम्हारे पास आर्ग्यूमेंट करने का मुद्दा नहीं होता, तुम्हारे पास झगड़ा करने का मुद्दा नहीं होता, और बोले जाओगे। प्लीज यार चुप हो जाओ, लेट्स गो। ओ हेलो सिड, क्या यार व्यार? शाना कोई यार व्यार नहीं है, तमीज से बात कर, समझा ना। यार हूँ मैं उसकी, हूँ मैं उसकी यार। मैं लगा दूंगा। तुम मुझे मारोगे? हाँ मुझ पे हाथ उठाओगे? हाँ अगर बात नहीं मानोगे तो मारूंगा मैं तुम्हें।
कुछ दूर रहा करो इससे, ये भरोसे के लायक नहीं है ये आदमी। अगर एक रास्ते पे तुम्हें सांप दिखे और ये दिखे ना, तो इससे बच के रहना। जो अपने भाई का घर बर्बाद कर सकता है ना, वो कुछ भी कर सकता है, किसी को नहीं छोड़ेगा वो। ये बात तुम भी जानती हो, फिर भी इसका साथ दे रही हो। अगर मैं कहूँ कि ये सब कांड तुम्हारी मॉम का किया हुआ है, ये सारे फसाद की जड़ तुम्हारी मॉम है, तो तुम क्या करोगे? उनसे बात करना बंद कर दोगे? उन्हें भी सुनाओगे? उनसे दूर हो जाओगे? उनसे बात ही नहीं करोगे? क्या कहा तुमने? तुम्हें पता लड़कियों का फेवरेट डायलॉग क्या होता है? कुछ नहीं। Let me guess. तुम, मैंने गेस कर लिया, चोरी करने का पछतावा हो रहा है ना? यही सोच रही थी ना? नहीं। अब तो पक्का कंफर्म हो गया कि तुम यही सोच रही थी। तुम्हारा ना जो ना था ना, नहीं था, वो प्राची वाला कॉन्फिडेंस था उसके अंदर। देखो सच सच बता दो, क्या सोच रहे हो? सच क्या है, झूठ क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हंस क्यों रही हो? मैंने कोई जोक क्रैक किया? नहीं, ये मजाक ही तो है। देखो तुमने जिस हिसाब से फंबल किया ना बोलते हुए, तो मैं समझ गया कि तुम कुछ और नहीं यही सोच रही हो। तुम्हें जो समझना है तुम समझ। कोई टॉफी चुराने के लिए इतना टेंस कैसे हो सकता है? टॉफी चुराई ना तुमने? सच बताओ मुझे, कितनी कितनी टॉफी चुराई तुमने? सच बताना। तो तुम्हारी उम्र नहीं पूछ रहा हूं मैं। रिया तुम क्या, तुम यहां क्यों बैठी हो? तुम कहीं और, I just feel so lost. पुराने दिन सच में। तुम तो थक गए हो, तुम कैसे चलाओगे गाड़ी? हाँ मैं थक तो गया था, अब क्या करूं? तुम्हारे लिए तो मैं ड्राइवर भी बन जाऊंगा। कोई नहीं, तुम्हें ऐसे भीड़ में थोड़ी जाने दूंगा। हेलो। हेलो मैम, आई एम कॉलिंग फॉर योर अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन। आप आ रहे हैं ना? नहीं आज मुश्किल है, मैं नहीं आ पाऊंगा। एंड वैसे भी आपको कंफर्मेशन कॉल के लिए पहले कॉल करना चाहिए था, मैं बिजी थी इसलिए कॉल नहीं कर पाई। मैम मैंने आपको फोन इसलिए नहीं किया क्योंकि आपकी असिस्टेंट ने आपके बिहाफ पे हमसे बात की, उन्होंने आपकी बुकिंग कंफर्म की। मेरी असिस्टेंट? हाँ, उसने तो यही बताया था कि वो रिया कोहली की असिस्टेंट बोल रही है। असिस्टेंट? वही हमेशा की तरह मुंह फुला के बैठी हुई है। क्यों, क्या हुआ? लेकिन अरे मैडम को ना रोड पे चलने का बहुत शौक था, गाड़ी से निकल के चलने लगी। मैं गया भाग के, मैंने बोला मत जाओ गाड़ी में बैठ जाओ, पर नहीं मान रही थी। और आपको पता तो है कितने टैंटर्म्स है, कितने नखरे हैं इसके, नखरे दिखाई जा रही थी। पर मैं जबरदस्ती करके गाड़ी के अंदर बिठा लिया इसको। अब ये चाहे कितने भी टैंटर्म दिखाए, लेके तो आना है ना, वो जो अपनी ड्यूटी पूरी तो करनी है, मैंने वही कर ली। और देखिए कैसे मुंह फुला के बैठी हो। रिया देखो, इसे कहते हैं प्यार। कोई प्यार नहीं है, कुछ भी। अरे कुछ भी कुछ नहीं। अच्छा मैं थोड़ी है ना इसकी लव स्टोरी सुधार रही हूँ, थोड़ी सी डावाडोल हो गई है। रुको तुम दोनों। अब देख रणबीर ने जो कुछ किया ना, वो इसे पसंद नहीं आया प्राची को, इसलिए वो गुस्सा हो गई। दीदा कोई अगर आपको जबरदस्ती उठा के गाड़ी में ऐसे पटक दे तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? नहीं, मुझे तो प्यार आएगा। सिर्फ बिठाया नहीं है, चाइल्ड लॉक लगाया ताकि मैं बाहर ना निकल सकूं। I mean, this is too much. मुझे बहुत गुस्सा आया था, मैं बता नहीं सकती कितना। मुझे तो लेकिन फिर भी बहुत प्यार है। हम तुम एक कार में बंद हो और चाइल्ड लॉक लगे जाए। तुझे क्या हो रहा है, तू बड़ी दांत दिखा रही है। अरे 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 तुम दोनों लड़ो मत। मुझे है ना थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करने दो। क्या है ना उम्र हो गई है ना, थोड़ी सी याददाश्त कमजोर हो गई है। देख प्रिया, इसे कहते हैं प्यार। अब लेकिन है ना प्राची है ना आजकल तेरे जैसे बिहेव करने लग गई है। अब क्या है ना, रणबीर ने जो कुछ किया उसके भले के लिए किया, उसे पसंद नहीं आया। वैसे ही तेरे बॉयफ्रेंड ने जो कुछ किया तेरे अच्छाई के लिए किया, तुझे पसंद नहीं आया। लेकिन है ना यही तो बात थी। हाँ तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता था। तरीका नहीं बीजी, इनकी तो बात ही अलग है। अरे क्या अलग है बेटा, तेरे बॉयफ्रेंड ने जो किया ना तेरे आत्मसम्मान के लिए किया, और रणबीर ने जो किया उसकी भलाई के लिए किया। लेकिन तुम दोनों को तरीका पसंद नहीं आया, लेकिन उन दोनों का मकसद एक ही था। हम जिससे भी प्यार करते हैं ना, उसका मकसद नहीं उसकी नियत देखते हैं। शायद आप सही कह रही है बीजी, मैं राहुल के दिल की बात समझ ही नहीं पाई।
बस उसका एक्शन देख के उससे अलग होने का डिसीजन ले लेना की। थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी तरीके से समझाया। सही कहते हैं लोग, अगर हम एक दूसरे के दिल की बात जानने लगे तो दुनिया की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना। शायद इसलिए कहते हैं घर में बड़े बुजुर्ग का होना कितना जरूरी है। थैंक यू सो मच, मैं आपके लिए जूस लेके आती हूँ। अच्छा तो अब तुम दोनों बताओ क्या बात है, क्या हुआ है? क्या हुआ ना कि पहले अपनी वो रिया उतर गई, उसके बाद वो जो अपना रोतू है मिस्टर परेशान वो भी उतर गया। मैंने सोचा कोई रोकने टोकने वाला है नहीं, तो बस मैंने तुम्हारी गाड़ी को बनाया चौपर सीधा यहाँ। बहुत सही किया तुमने, अब बैठना। क्या बात है भाई, मेरी राइड तो फन रही, तेरी को क्या हुआ है? कुछ लड़ाई बड़ाई हुई क्या प्राची से? नहीं, मैं तुझे बताऊंगा ही नहीं प्राची के बारे में कुछ। क्यों नहीं बताऊंगा यार? फिर तू बोलता रहता है मेरी बहन नहीं ऐसा नहीं कर सकती, तू ऐसा करता है तू वैसा करता है। दादा तू मेरी बहन करेगा तो मेरा मन नहीं करता फिर मेरे को मेरा भाई बोलने का। यार भाई ऐसे मत कर यार मेरे भाई, सॉरी सॉरी। देख मैं कुछ नहीं बोलूंगा तुझे आगे से, मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था क्योंकि तू परेशान क्यों है, क्या मूड क्यों है, क्या हुआ? यार शादी हो रही है। तो पता ही है ना कि शादी हो रही है, एंगेजमेंट तूने करवाई तो शादी तो होगी। मैंने क्या करवाई, मैं क्या पंडित जी था वहां पे बैठ के एंगेजमेंट करवा रहा था? इनफैक्ट मैं तो चाहता था कि यार देख मैं मानता हूँ कि मैंने कहा था शादी के लिए, बट कहना और चाहने में बहुत फर्क है यार। मतलब मैंने जब से बोला है ना कि हाँ शादी कर लो, तब से पूरा परिवार ने तो ऐसे हाँ बोल दिया जैसे वो चाहते थे कि सिट की शादी हो जाए। सब चाहते थे लेकिन नाम मेरा आ रहा है। पॉइंट तो है भाई। पॉइंट नहीं है, शादी है, शादी इज अ बिग डील यार। और ऊपर से कल मम्मी मेहंदी का फंक्शन करा रही है प्राची का, और एक बार सिट के नाम की मेहंदी लग गई ना प्राची के हाथ में तो मेरा क्या होगा? आइडिया, अरे मेरे भाई से रिया बस पूछी प्लीज, आज मुझे मत रोकना। दिन भर जो मैंने प्रेशर लिया है ना उसके आगे इतनी सी वाइन कुछ भी नहीं है। आई थिंक आई डिजर्व दिस, फाइन पी लो। आज तो सेलिब्रेट करना बनता है, किस्मत भी कभी कभी साथ देती है तो किस्मत के नाम भी पी लो। वैसे टुडे यू बीन वेरी वेरी लकी। दैट्स ट्रू बूजी, लक वाज कंप्लीटली ऑन माय साइड आज भी और कल भी। कल से आपने मुझे दो बार बचाया है। कोइंसिडेंस था रिया, मैंने उन दोनों को बात करते हुए सुना कि वो दोनों तुम्हें स्पा में पकड़ने वाली हैं। हाय, मैं रिया मैम की असिस्टेंट बोल रही हूँ, रिया कोहली की। या उनकी अपॉइंटमेंट है ना, उसके लिए एड्रेस कंफर्म करना था आपके स्पा का। जैसे ही मैंने प्राची को ये कहते हुए सुना कि वो तुम्हें पकड़ने वाली है, मैं पीछे के रास्ते से भागी हूँ ताकि वो दोनों तुम्हें वहां पर पकड़े ना। और क्या टाइमिंग थी बूजी आपकी, यू आर जस्ट ब्रिलियंट। मैं जैसे ही मसाज रूम में आई आपने मुझे वहां से हटाया और खुद वहां बैठ गई। अरे पहले तो मैं कंफ्यूज थी, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था आपने ऐसे क्यों किया। बट देन इट ऑल मेड सेंस। जब मैंने प्राची और शाना को वहां देखा तो मुझे समझ आया कि आपने मेरी जगह क्यों ली थी, ताकि प्राची को ये लगे कि वो मसाज आपने अपने लिए बुक की। पंडित जी मैंने फोन किया और आप आ गए, शुक्रिया। अब वो लिस्ट बनाई आपने? हाँ, ये रही पूजा की लिस्ट, ये सारी सामग्री कल तक मंगा लीजिएगा। पल्लवी कल हमारे घर में पूजा हो रही है? नहीं पूजा नहीं है, बस पंडित जी ने कहा था कि कोई भी शुभ काम तब सफल होता है जब हम पूरी विधि विधान के साथ उसे करें, पूरी रीति रिवाज के साथ। प्राची और सिद्धार्थ के फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है ये। तुम करने क्या वाली हो? एक मिनट पंडित जी, ये सब हम क्यों करते हैं? बच्चों की खुशियों के लिए कर रहे हैं ना ये सब? मम्मी जी हमने सबकी शादियां करवाई लेकिन कोई खुश नहीं है। मेरे हिसाब से ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने सही मुहूर्त देखकर किसी की शादी नहीं करवाई, या फिर हो सकता है कि टाइम गलत हुआ। मतलब मैं क्या कह रही हूँ, प्राची और रणबीर की शादी तब हुई जब वो शादी का मुहूर्त
उनका था ही नहीं, वो रिया और रणबीर की शादी का मुहूर्त था। लेकिन शादी हुई किसकी? किसकी? रणबीर और प्राची। और जब रणबीर और रिया की शादी हुई तब क्या हुआ? तब भी तो हमने मुहूर्त नहीं देखा। बस रिया ने सुसाइड करने का डिसाइड कर लिया तो हमने हड़बड़ी में जल्दबाजी में दोनों की शादी करवा ली, तब भी किसी ने सही मुहूर्त नहीं देखा। वो टाइम गलत था, सिचुएशन गलत थी, मैं नहीं जानती क्या, लेकिन शादी सही मुहूर्त में नहीं हुई। अम्मी जी अब मैंने डिसाइड किया है, अब जो भी होगा सही रीति रिवाज के साथ सही मुहूर्त देखकर होगा। मेरा प्राची को पसंद ना करना वो बिल्कुल अलग बात है, लेकिन प्राची की कोख में जो बच्चा पल रहा है उसकी खुशियों की जिम्मेदार हूं मैं। वो हमारे खानदान का वारिस है, उसके फ्यूचर के लिए, उसकी खुशियों के लिए मैं कोई लापरवाही नहीं करूंगी। ये क्या हो गया मम्मी को, इतनी धार्मिक क्यों हो गई हो? कैसी बात है, उनको सारे रिचुअल सेट और प्राची के साथ ही कराने क्या? तो सही तो कह रही है, कभी हमसे मुहूर्त मिस हो जाता है, कभी कुछ रह जाता है, कभी कुछ। वो चाहती है कि एक बार सब सही से हो जाए, गलत क्या? आज सबको ज्ञान देने का बहुत मन कर रहा है ना, मुझे पता है, मैं भी यही खड़ा हूँ, तूने सुना वही रिपीट करके मत सुना मुझे। पंडित जी ये सामग्री की जो लिस्ट दी है आपने, इसके अलावा कुछ चाहिए आपको? जी नहीं, बस आप मुझे मेहंदी ला कर दे दीजिए। लड़के वालों के घर की मेहंदी पहले हम मंदिर में भगवान के चरणों में अर्पण करेंगे जी, जिससे मेहंदी सिद्ध हो जाएगी। कल जब प्राची उस मेहंदी को लगाएगी उसकी लकीरों में साक्षात भगवान नारायण की कृपा बरसेगी और उसे सौभाग्य की प्राप्ति होगी। अब चाची मेरा मतलब उन्होंने अपनी कार से मेरा लगेज बाहर फेंक दिया, उन्हें कंफ्यूजन हो गई थी। नहीं लेकिन मैंने सुना तुम्हें कहते हुए कि आलिया ने तुम्हें कार से बाहर फेंक दिया, ऐसा क्यों करेगी? I'm sorry, शायद मैंने ही गलत सुना होगा। Anyway, मैं ये बताने आई थी तुम्हें कि मेहंदी का मुहूर्त 6:30 बजे का है, तो प्लीज ऑफिस से टाइम से घर आ जाना, ओके? I know ये शादी अलग सिचुएशन में हो रही है, शादी जल्दी हो रही है, लेकिन सारे रिचुअल्स जल्दबाजी में नहीं होंगे, वैसे ही होंगे जैसे होने चाहिए, सो प्लीज बी देयर ऑन टाइम, इस बात का ध्यान रखें। सारे गेस्ट को इनवाइट कर लिया है, सो मेक श्योर यू आर ऑन टाइम। और कोई स्टुपिडिटी मत करना, सब अच्छे से करना होगी। कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी एंड लिसन रिया, अभी से रेडी होना शुरू कर दो। हूँ नहीं, तुम जानती हो ना बहुत टाइम लगता है तुम्हें रेडी होने में, वरना ऐसा होगा कि गेस्ट आ जाएंगे और तुम बस रेडी हो रही हो, सो जस्ट गेट रेडी, ओके? अरे प्राची इतना टाइम क्यों लेती है तैयार होने के लिए? भाई ये सिर्फ प्राची की बात नहीं है, दुनिया की हर लड़की ना तैयार होने में बहुत टाइम लेती है। पर क्यों? समझ नहीं आता मुझे, भगवान ने इतना खूबसूरत बनाया है तुम्हें, तो उनको अपने अंदर ऐसी कौन सी कमी लगती है जो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए इतना टाइम ले लेती है? आई डोंट थिंक कोई कमी की बात है, इट्स जस्ट दैट कि ना लड़कियां सैटिस्फाई नहीं होती यार, इनको ना हर चीज में परफेक्शन चाहिए। ट्रू, अब देख अगर खुद में इतनी परफेक्शन ढूंढ रही है तो सामने वाले में कितनी ढूंढनी। तो मेरी बात कर रहा है? नहीं नहीं भाई, मैं तो प्राची की बात कर रहा हूँ ना, पता नहीं दिख सी नहीं रही। हाँ ही नहीं है, पता देख आगे कनेक्शन देख रहा तू? सबसे पहले प्राची पे नजर किसकी गई? मेरी। कुछ तो है। भाई सिर्फ तेरी नहीं, किसी और की नजर भी पड़ी है इस पे। किसी और की? किसकी? ये देख मिस्टर परेशान को। तो देख कैसे देख रहा है यार, जैसे अपनी बहन को देख रहा हूँ, आंखों में कोई बात ही नहीं है इसकी। एक होता है ना एक लुक होती है लड़की को देखने की यार, कोई भी लड़का किसी सुंदर लड़की को देखता है तो उसके मुंह से निकलना चाहिए वाओ यार शी इज ब्यूटीफुल, इसको देख ऐसा लग रहा है रोने वाला है। तो सही है ना, रोने दे उसको, ऐसे ही देखने दे। अच्छा उसके दिमाग में भी कुछ नहीं है, आंखों में भी कुछ नहीं है, क्यों कॉम्पिटिशन बना? क्या बाहें फैला के देखता है प्राची को? नहीं, रणबीर
मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना हम सब ना मिलके एक फैमिली पिकनिक पे चले। फैमिली पिकनिक? ये एकदम से पिकनिक कैसे? सब साथ में जाएंगे, किसी अच्छी जगह पे जाएंगे, चिल करेंगे, रिलैक्स करेंगे। कहने के लिए घर पे सेलिब्रेशन हो रहे हैं, फंक्शंस हो रहे हैं, लेकिन ये सब फंक्शंस ना हमें थका देते हैं यार। इट्स डैम फ्रस्ट्रेटिंग। जब मैं तुम्हें स्माइल करते हुए देखता हूँ, प्राची को स्माइल करते हुए एक सेकेंड, आप जब हमें स्माइल करते हुए देखते हो तो आपके लिए फ्रस्ट्रेटिंग कैसे होता है? खोते मुझे मेरी बात को कम्प्लीट करने दे। सॉरी सर, प्लीज। जब मैं तुझे स्माइल करते हुए देखता हूँ, प्राची को स्माइल करते हुए देखता हूँ, तुम दोनों के चेहरे पे हंसी तो है, मुस्कुराहट है, लेकिन वो हंसी वाली फीलिंग नहीं है, खुशी नहीं है, मतलब अंदर से खुशी नहीं है। तुम लोग बस दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम लोग खुश हो। रियली? आपको ऐसा लगता है? सीरियसली यार, ये कैसा रिएक्शन था? मुझे लगा तू मेरी बात सुन के अपसेट हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, लेकिन तेरा ये रियली वाला रिएक्शन तो ऐसा था जैसे तू चाहता है कि लोग तुम दोनों की इस एक्टिंग को माने, मतलब तुम दोनों चाहते हो कि लोगों को लगे कि तुम दोनों एक्चुअली खुश हो। यार मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कहीं तेरे मन की बात तो नहीं कह दी। अब क्या ही बोलूं आपको। अरे जो बात है वो बोल ना, बाकी एनालाइजिंग का काम तू मुझ पे छोड़ दे। आपके यहाँ पे आने से पहले ना मुझे ऐसा लग रहा था कि सिर्फ मैं ही सैड हूँ और प्राची बहुत खुश है, लेकिन अब मुझे पता चला कि प्राची भी उतनी ही सैड है। आई सुबह आपके अलावा कोई भी इंसान मेरे पास आता और मुझे बोलता नहीं बात, तो मैं नहीं मानता। इट्स बिकॉज यू हैव सेड इट, तो मतलब बात तो हो गई ऑथेंटिक। अरे ऑब्वियसली वो तो सैड ही होगी ना, वो ये रिश्ता नहीं चाहती है, वो तो हमारे कहने पे ये शादी करने जा रही है, तो वो कहाँ से खुश होगी? ऑब्वियसली वो सैड ही होगी ना बाबा। थैंक्स डैड, आपको पता नहीं है आपने ये बोल के ना एकदम बात को पक्का कर दिया। सो हैप्पी, थैंक यू सो मच। मतलब अभी तक मैं सोच रहा था, लेकिन अब ये बात पक्की हो गई, आपने तो मतलब मेहंदी में ना एकदम सैंटा क्लॉज बनके मुझे खुश कर दिया। थैंक यू। मैं एक सेकंड, प्राची सैड है देख, क्या तेरे साथ रिचुअल करना पड़ रहा है ना उसको, देख कितना सैड है, शक्ल देख बेचारी की। डिजाइन तो अच्छी है, अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोचते ना तो हमें सारी दुनिया अच्छी दिखाई देने लगती है। रणबीर के बारे में सोच रही हो ना? अगर सोच रही हो तो नहीं सोचना चाहिए। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही। प्राची तेरी इतनी अच्छी मेहंदी देख के मेरा भी मन कर रहा है मैं मेहंदी लगाऊं। चल हम दोनों भी मेहंदी लगाएंगे। बाद में लगाएंगे। मिसेस खन्ना, अरे सॉरी एक सेकंड। पर ये सब छोड़िए, आप क्या बोल रही थी, किसी मुसीबत के बारे में बात कर रही थी ना? रिया तुम्हारी प्रेगनेंसी रिपोर्ट आ रही है। मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट? हाँ, मैंने शाना को प्राची से बात करते हुए सुना, उसने कहा कि तुम्हारी प्रेगनेंसी रिपोर्ट आ रही है। जब मैंने कोई प्रेगनेंसी टेस्ट कराया ही नहीं तो ये प्रेगनेंसी रिपोर्ट कैसे आ सकती है? आई डोंट नो ऑल ऑफ दैट, जो मैंने सुना है वो मैं तुमसे कह रही हूँ। क्या है तुम्हारी वो दोस्त का नाम, डॉक्टर मधुरिमा, वॉट एवर इट इज, उससे फोन करके पूछो ना यार। ये मधुरिमा, हेलो हेलो मधुरिमा, कोई रिपोर्ट आ रही है क्या घर पे, प्रेगनेंसी रिपोर्ट? हाँ, मैंने थोड़ी देर पहले फोन करके इन्फॉर्म तो किया था, मैं वो रिपोर्ट तुम्हारे यहाँ भेजना तो नहीं चाहती थी, बट वो गलती से यार वो रिपोर्ट डिलीवरी सेक्शन में चली गई है और उसपे ये भी लिखा है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। तुम ये कोशिश करना कि वो रिपोर्ट ना किसी और के हाथ ना लगे। व्हाट? हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। वो मैं काफी देर से रिया को ढूंढ रही हूँ, कहीं दिखी नहीं दिया। तुम पूछ लगा कुरियर आया और किसी को तो लेना ही है। जस्ट लीव इट नाउ, अब मुझे दे दो, मैं रिया की मदर इन लॉ। ये प्राची बिना एंड मोमेंट पे गायब हो जाती है, मैं क्या करूं? ये क्या किया तुमने?
एक मिनट रुको, मैं हाथ धो रहा हूँ। अरे तुम क्यों अपनी मेहंदी धो रही हो? मेहंदी में कुछ बाकी छोड़ा है तुमने? बिगाड़ दी मेरी सारी मेहंदी। तुम्हारी मेहंदी बिगाड़ी नहीं है मैंने, तुम्हारी मेहंदी सवारी है मैंने और सुंदर करी है। इससे पहले से तुम्हारे हाथ में मेहंदी थी, लेकिन मैंने छुआ ना तो तुम्हारे हाथ पे ये मेहंदी का कलर आ गया। अब हम दोनों हम दोनों क्या चुप क्यों हो गए? हम दोनों क्या क्या बोलने वाले थे बोलो। तुम्हारे हाथ पे जो मेहंदी लगी है ना, उसका रंग मेरे हाथ लगाने के बाद और बढ़ गया है। और अगर तुम्हें बाय चांस ये लग रहा है कि मेहंदी पे किसी और का नाम लिखा है तो तुम गलत हो। ये मेहंदी मेरे नाम की है, हमारी उंगली में मेरे नाम की रिंग है। तुम पूरी की पूरी पूरी मेरी हो। मेरा जान कैसा है ये बंधन, बोले तड़पन लागी। क्यों कर रही है? मैं नहीं पता क्यों कर रहा हूँ। मेरे दिल की धड़कन कुछ महसूस नहीं होता तुम्हें? होता है कई बार, पर हर बार तुमने मुझे गलत साबित किया है। इसलिए इस बार जो कुछ भी है साफ साफ बोलो। चाहिए यारा मुझे तेरा सहारा, तेरी हूँ कसम। क्या हुआ? तुम ठीक हो? What happened? सब कुछ अच्छा जा रहा होता है पर एंड मोमेंट में सब बिगड़ता है। पहले वो शाना थी, उसके बाद दीदा, और अब ये वेंडी दाली टपक गई है कि नखरे तो नेक्स्ट लेवल होते हैं, अब शुरू हो जाएंगी। कैसा लगा जूस? ये भी कोई जूस है? जूस तो वो होता था, तुझे याद है, हम पेड़ों से फल तोड़कर अपने हाथों से जूस बनाते थे, वो जूस होता था। इसीलिए कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है। मेहनत का जूस मीठा होता है। आप दोनों ना हंसते हुए बहुत अच्छी लगती है। मुझे भी बता दीजिए जो क्या है। हम मीठी जूस की बात कर रहे थे। अब ये तेरी मीठी वाणी सुनकर मीठा जूस भी फीका हो गया। अच्छा क्या खाकर आई है? तेरे मुंह से शहद टपक रहा है, संभाल के कपड़ों पर मत गिराना, खराब हो जाएंगे। दीदा, your friend is very, very, very funny. काश हम भी तुम्हारे बारे में बोल सकते। खैर छोड़ो, ये बताओ क्या काम था? हाय। हाय। तुम्हें पता है कि रणबीर क्या करने वाला है? क्या करने वाला है? रणबीर प्राची से कहने वाला है कि वो सिड से शादी ना करे। क्या बात कर रहे हो सची? ये तो बहुत ही अच्छी बात है यार। अभी ना मैं कुछ ढूंढ रही हूँ, वरना मैं तुम्हारे साथ पक्का डांस कर लेती। क्या ढूंढ रही हो? अब नहीं नहीं कुछ नहीं। तूने कांधे पे सर झुकाया जब, जैसे दरगाह पे बांधे धागे तब, ना मांगे ही मिल गया है सब। मेहरबान हुआ हुआ, मेहरबान हुआ हुआ, मेहरबान हुआ, मेहरबान हुआ, वो आंखें तेरी गिरती है जब, पता नहीं
लगता है कुछ दिनों से अब